नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में भाई ही भाई के खून का प्यासा हो गया। सोमवार देर रात करीब 11 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अधिवक्ता की सैकड़ों लोगों के सामने हत्या कर दी गई। हल्द्वानी के कमलवा गाजा में सोमवार देर रात रामलीला का मंचन चल रहा था। रामलीला देखने पहुंचे लामाचौड़ के पूरनपुर नैनवाल निवासी 45 वर्षीय अधिवक्ता उमेश नैनवाल के तहेरे भाई दिनेश ने तमंचे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मृतक अधिवक्ता का बेटा आदित्य उसी समय मंच में परशुराम का मंचन कर रहा था। एडवोकेट को गोली मारकर भगदड़ के बीच आरोपी तमंचा छोड़कर भाग निकला। घायल उमेश को कालाढूंगी रोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये है नैनवालपुर कमलवाजा का, जमीन का विवाद चल रहा है। वो जमीन है वो जिसकी जमीन है वो गुजर गए, वो जमीन में कब्जा करने के उसमें इन्होंने गोली मारी है उमेश चंद नैनवाल को। जो इसने गोली मारी वो दिनेश चंद नैनवाल है, ताऊ का लड़का ही, और ये मारी है रामलीला में। हम लोग जो रामलीला चली है वहीं मारी है। पकड़ में आया है? अभी नहीं आया, अभी तो भागा है, रिकॉर्ड करा दी है। अब बाकी तो खोज भी यही करेंगे पुलिस वाले, हमने बता दिया उन्हें। गोली चलने के बाद रामलीला मंच के आसपास अफरा तफरी मच गई। भय के माहौल में कुछ ही देर में पूरा ग्राउंड खाली हो गया। इधर आयोजकों ने रामलीला मंचन को रोक दिया। खुद मौके पर नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीना पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस अब आरोपी की खोजबीन में जुटी है। देखिए, आज रामलीला का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर गोली चलाई गई, उसमें जो घायल है उसको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। तो बाकी पुलिस जो है वो साक्ष्य संकलन कर रही है और उसके बारे में तलाश की जा रही है और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि गोली चलाने वाला कौन है। जल्दी जो भी गोली चलाने वाला है उसको गिरफ्तार करेंगे। सर, कुछ जमीनी बात बताया जा रहा है? देखिए, उस संदर्भ में अभी कोई ऐसे कोई चीज खुल के नहीं आई, लेकिन जांच में अगर आगे कोई तथ्य आता है तो उसे पता लगता है कि किस आधार पे क्यों मोटिव से गोली मारी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। गौरतलब है कि पूरनपुर नैनवाल में उमेश और दिनेश नैनवाल की काफी जमीन है। पुलिस के अनुसार करीब 1.5 साल से दोनों भाइयों के बीच 24 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर विवाद चल रहा है उसकी बाजारी कीमत तकरीबन करोड़ों रुपए में है। उमेश को एसडीएम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए काफी समय हो गया था, लिहाजा जमीन के विवाद को लेकर एसडीएम कोर्ट में ही उनका केस भी चल रहा था। गौरतलब है कि मृतक अधिवक्ता उमेश ने मुखानी थाने में करीब 5 महीने पहले पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें उमेश ने कहा कि उन्हें जान का खतरा है, कोई उनकी हत्या करा सकता है, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया। परिजनों ने बताया कि पुलिस मामले को हल्के में नहीं लेती तो उमेश की हत्या नहीं होती। आरोप लगाया कि संदेह जताए जाने के बावजूद भी पुलिस ने उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी। बताया जा रहा है कि आरोपी दिनेश का कमलवा गाजा में 12वीं तक पब्लिक स्कूल भी है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि आरोपी ने लाइसेंसी हथियार से गोली मारी है या फिर अवैध तमंचे से। दोस्तों, क्या एक भाई को संपत्ति के लिए इस तरह मौत के घाट उतार देना कितना गलत है? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।